जामताड़ा स्लॉग जिले में कई वारदातों को अंजाम देने वाले चार क्रिमिनल गिरफ्तार। लूट के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बताएंगे विस्तार पूर्वक मगर तीन हेडलाइंस के बाद, और सुनवाएंगे एसपी से उन्होंने क्या कहा। हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। अगर आप आरबीसी चैनल से नहीं जुड़े तो बेहतर खबरों के लिए आरबीसी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता हसनैन जैदी के प्रयास से झारखंड बिहार के 175 लोग पहुंचे स्वदेश। जामताड़ा भाजपा जिला इकाई द्वारा पौधारोपण किया गया, जिले भर में 14,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए जिला व्यवसायिक संघ ने किया निर्णय, दो दिन रहेगी सप्ताह में दुकानें बंद, मंगलवार और शुक्रवार। जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा जिले में हुए तीन आपराधिक वारदातों में शामिल अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए सामानों के अलावे घटना के प्रयुक्त हथियार को भी बरामद करने की सफलता पाई है। पिछले दिनों जामताड़ा थाना क्षेत्र के दक्षिण बहाल में एक ऑनलाइन मार्केटिंग के डिलीवरी बॉय से छीनताई की गई थी, तथा दूसरी घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर में सीएसपी संचालक को गोली मारकर उनसे 1,00,000 रुपए लूट लिया गया था। दोनों मामलों में पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो देवघर जिले के चित्रा थाना तथा मार मुंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अपराधियों में पप्पू मंडल, कैलाश मंडल, आशीष शाह तथा सोनू उर्फ अविनाश मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 राउंड जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिलें, लूटे गई कई सारे मोबाइल फ़ोन के अलावे डिलीवरी बॉय से छीना गया सामानों को पुलिस ने बरामद किया है। आइए जानते हैं एसपी अंशुमन कुमार से। और हमें भी ये लगा कि अचानक ये नया गैंग कहाँ से खड़ा हो गया है, जिसका उद्भेदन करना बहुत ही ज़रूरी था। अतः हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में कर्माटार जामताड़ा थाना, नारायणपुर थाना के थाना प्रभारी एवं नारायणपुर सर्कल के इंस्पेक्टर, इन सभी के साथ एक टीम बनाई गई, जिसमें कि नए प्रोबेशनर ऑफिसर्स भी थे, और ये लोग लगातार इस गैंग के उद्भेदन के पीछे लग गए। जानकारी इकट्ठा करते करते हम लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित किया, और चिन्हित करने के बाद एक के बाद एक हम लोगों ने 4 लोगों को उठाया। आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर, हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।